हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है ये जियोग्राफी से रिलेटेड है। इससे पहले जो है लेक्चर्स काफी हो चुके हैं, क्वेश्चंस काफी हो चुके हैं, काफी स्टूडेंट्स देख भी रहे हैं, उनको फायदा भी मिल रहा है। तो आप भी डेली देखा करिए, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चंस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, एग्जाम में जाके उतनी ही आपको जो है कम जो स्ट्रेस महसूस होगी। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, यहाँ से कम पूछा है, मैक्सिमम नहीं पूछा है। तो कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बेहद आसान है लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कैसे, अगर आपको यही नहीं पता कि कोहिमा कहाँ पर है, और पहली चीज है कोहिमा, दूसरा है कोट्टयम, ये है कहाँ पर, इनकी अगर आपको स्थिति नहीं पता मैप पर, तो फिर आप नहीं बता पाएंगे कि सड़क मार्ग से कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है और कोट्टयम ये केरल के अंदर है। तो ये दो जगह अलग अलग जगह देख लीजिए, तो इनमें टोटल आपको कम से कम 7 राज्यों में से होकर गुजरना पड़ेगा अगर आप सड़क मार्ग से जा रहे हैं। तो आपको 7 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। ये क्वेश्चन IAS 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन स्टेट पीसीएस भी पूछ सकता है या दोबारा से किसी और भी जगह का नाम आ सकता है। तो ध्यान रखिए कैपिटल से कैपिटल का, और जो है अगर आप जियोग्राफी के अंदर पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मैप हमेशा आपके साथ होना चाहिए, आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। मैप से जरूर प्रैक्टिस किया करो, मैप से काफी क्वेश्चन, बेहद क्वेश्चन आसान हो जाते हैं और सॉल्व भी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में, ध्यान रखना घटते क्रम में है कि किसमें कितना भौगोलिक क्षेत्र है और सबसे कम किसका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ऑप्शंस, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अब इनमें से आपको एक चीज तो पता है कि राजस्थान एरिया में सबसे बड़ा है। तो देख लीजिए एक एक, तो ये दोनों तो कट हो गए, ये कैंसिल हो गए। अब उसके बाद, अब यहाँ पर ध्यान रखिए अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता तो यहाँ पर इसमें दिख रहेगा 3 3, तो मतलब तीसरा जो है बड़ा है। तो एक के बाद आप 3 मान लीजिए, तो एक के बाद 3, उसके बाद 4, 2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये तो था अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता। अगर इसको याद करना चाहिए तो आप याद भी कर सकते हैं। राजस्थान सबसे बड़ा एरिया वाइज दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर कर्नाटक और चौथे नंबर पर तमिलनाडु। तो ये सारे एरिया वाइज है, एरिया वाइज आप इनको याद कर लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है किस चीज का, अध्यारोपित सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का या फिर परवर्ती सीमा का। राइट आंसर क्या है, अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वो अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। अब एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं खुद से जनरेट कर देता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के अंदर के बीच में जो सीमा रेखा है उसको कौन सी लाइन से विभाजित करती है। भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, कौन सी सीमा रेखा है, चलिए कमेंट करके मुझे बता दीजिए। आने वाले लेक्चर्स में वो भी मैं आपको करवा दूंगा, या फिर जब मैंने आपको जीएस के लेक्चर्स करवाए थे उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था। जिन्होंने जीएस के लेक्चर्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां पर हिंदी के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी जनरल स्टडीज के लेक्चर्स सारे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब चारों में से देखना है कौन से ठीक है, भारत के बारे में सही है। ओके चलिए देखिए, यहाँ पर भारत विश्व का पांचवां बड़ा देश है, गलत है, पांचवां नहीं सातवां। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्र का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, तो बिल्कुल ठीक है, स्थलमंडल का इसके पास 2.4% भाग है हमारे भारत के अंदर। समुच्चा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, नहीं, समुच्चा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है, कुछ एक पार्ट जो हमारा उष्ण कटिबंध में आता है और बाकी पार्ट्स अलग अलग जगह पे आते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर कौन से हैं, बी और डी। तो देख लीजिए यहाँ पर, ये इसमें नहीं है, ये भी नहीं है, ओके ये भी नहीं है, 2 और 4, राइट आंसर क्या है, डी। ओके कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है।
अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा, काफी बार पढ़ भी चुके हो कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। बेहद आसान है, अगर आपके माइंड में मैप है, अगर आपने मैप पढ़ रखा है, अगर आपने रट्टा नहीं भी मारा हुआ, अगर आप मैप याद है तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो कि बीच में से गुजरती है कर्क रेखा। तो कौन कौन से वो 8 राज्य हैं बता दीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाए, ये मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो दिया था, जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिए जाकर। स्पेशल वीडियो में ये था कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ कितनी कितनी स्टेट्स टच करते हैं, कितनी कितना एरिया टच करते हैं, वो सारा एरिया और स्टेट के बारे में बता रखा था, और एरिया वाइज भी सारी चीजें बता रखी थी। एक वीडियो है, शायद 5 से 7 मिनट का वीडियो है, उसमें सारी चीजें बताई गई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो याद कीजिए क्या करवाया था उस समय मैंने, उस समय असम, मेघालय, मिजोरम करवाया था, नागालैंड नहीं है, बांग्लादेश के साथ टच नहीं करता। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा और आपको मैप याद है, तो भी आप इसका आंसर दे पाएंगे कि नागालैंड तो वहां पे नहीं है, बांग्लादेश के साथ नागालैंड नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी मैंने इसका आंसर दिया था, कौन सा स्थान है, 7वां स्थान। ठीक है, भारतीय मानक समय की यामयोत्तर नहीं गुजरती। भारतीय मानक समय की यामयोत्तर नहीं गुजरती, किस राज्य से नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि एक ही स्टेट, अब ये देखिए अगर आपको मैप याद है ना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ये तीनों तो एक लाइन में मिल जाएंगे आपको। महाराष्ट्र बिल्कुल अलग रह गया, जब आप मैप बनाते हैं, मैप ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो महाराष्ट्र यहाँ पर रह गया, बाकी स्टेट्स यहाँ रह गई। तो ये महाराष्ट्र अलग है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी, यहाँ से नहीं गुजरती है। ठीक है, वैसे आपने पढ़ा भी होगा, जब हमने स्टडी मटेरियल में सारी चीजें आपको हाईलाइट करके दे रखी हैं, स्टडी मटेरियल जिन्होंने लिया उनको सारा पता है कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है। स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे इस फोन नंबर पर व्हाट्सएप करके या फोन करके भी पता कर सकते हैं। किसी भी स्टेट पीसीएस का स्टडी मटेरियल, हरियाणा सिविल सर्विसेज का, किसी भी वनडे एग्जाम का स्टडी मटेरियल, जिस जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये पेड है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु, साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। भारत का साउथर्न मोस्ट पॉइंट, सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है। ऑप्शन देखिए, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या फिर पॉइंट कॉलिमोर, कौन सा है यहाँ पर बताइए मुझे। राइट आंसर क्या है, इंदिरा पॉइंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, ये देखते हैं क्या कुछ पूछा गया इसमें। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो हमें सिर्फ सही कथन चूज करने हैं। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ, जो असम है वो भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा, जो वेस्ट बंगाल है वो भूटान के साथ और नेपाल के साथ टच करता है वेस्ट बंगाल। और यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ, जो मिजोरम है वो बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो ये भी मैप बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको मैप याद है बिल्कुल अच्छे से, अगर आपने मैप पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है, जो दे रखा है वो सभी एक दूसरे को टच वहां पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखना, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, मेघालय मिलती है, त्रिपुरा की भी टच करती है, मणिपुर नहीं टच करती और मिजोरम की भी टच करती है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, सी, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। तो उत्तर प्रदेश को कौन कौन से राज्य यहाँ पर टच करते हैं, तो आप देख लीजिए, पंजाब, क्या उत्तर प्रदेश पंजाब को टच करता है, आप देख सकते हैं कहीं पे कुछ मैप में आपने थोड़ा सा वो देखा होगा, टच करता है या नहीं करता। राजस्थान को टच करता है या नहीं करता। छत्तीसगढ़ को टच करता है या फिर नहीं करता। झारखंड को टच करता है या नहीं करता। तो राइट आंसर क्या है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब इसमें एक और चीज है, यहाँ पर IAS 2005 का क्वेश्चन है, IAS 2005 का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना इस हिसाब से इसका आंसर दिया गया है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यूपी कहाँ का टच करता है, कहाँ का नहीं। यूपी झारखंड को टच करता है, यूपी छत्तीसगढ़ को भी टच करता है,
अब देखिए पंजाब और राजस्थान को टच करता है या नहीं करता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमश नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो ऐसा कौन सा स्टेट है भारत का जिसकी सीमाएं तीनों जगह लगती हैं, नेपाल के अंदर, भूटान के अंदर? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं ये तीनों जगह नहीं लगती, मेघालय तीनों जगह नहीं लग सकती, पश्चिम बंगाल भी तीनों जगह नहीं लग सकती, तो सिक्किम ही एक ऐसा है जिसकी सीमाएं तीनों जगह लगती हैं, जो कि एक साइड नेपाल, भूटान और तीसरी साइड चीन हो गया। तो राइट आंसर क्या है? बी। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब उसकी तरफ, दूसरी तरफ दूसरे देश लगते हैं। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन का ही बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है, जिसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, वैसा ही क्वेश्चन है कुछ यहाँ पर। असम, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर यहाँ पर क्या है, पश्चिम बंगाल। तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वहां पर टच करती हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? तो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन से हैं? सिक्किम, भूटान, सिक्किम, बिहार, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो यहाँ पर नेपाल की बात की जा रही है, तो आप इसको तो हटा ही दीजिए। असम और बिहार ये भी गलत है, सिक्किम भूटान नहीं, राइट आंसर क्या है? सिक्किम और बिहार। तो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म क्या है? सिक्किम और बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, तो हरियाणा का भाग, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का या पंजाब का? तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर कौन सा नहीं है? तो पंजाब का वहां पर भाग नहीं है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये, तो बेहद आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में, एनसीआर में अवस्थित है? यहाँ पर देखिए, अंबाला, खुर्जा, करनाल, रोहतक। अगर आपने एनसीआर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से राज्य जो है एनसीआर में आते हैं और कौन से राज्य एनसीआर में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर अवस्थित है, तो यहाँ पर देखिए करनाल एनसीआर में आता है और रोहतक एनसीआर में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, 3 और 4, अंबाला और खुर्जा एनसीआर में नहीं आता है। अंबाला चंडीगढ़ को टच करता है, अंबाला चंडीगढ़ के नजदीक है, अंबाला पंचकुला को टच करता है, पंचकुला चंडीगढ़ को टच करता है। तो यहाँ पर ये दिल्ली के नजदीक नहीं है, अंबाला और खुर्जा दोनों। तो राइट आंसर क्या है? बी। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? अब तट पर कितने राज्य हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो पता चल जाएगा, नहीं पढ़ा हुआ तो नहीं। तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या है 9, राइट आंसर क्या है? डी। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया गया है, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, तो कौन कौन से एरिया में पुदुचेरी को यहाँ पर विभाजित कर रखा है? देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र यहाँ पर आ गया, तो ये गलत है। दूसरा, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, तो ये भी गलत है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, तो बिल्कुल ठीक है। पुदुचेरी का जो क्षेत्रफल जो है, एरिया है, क्षेत्र कहाँ कहाँ विभाजित है? तमिलनाडु में, केरल में और आंध्र प्रदेश में। तो पुदुचेरी का एरिया इस तरह से डिवाइड किया गया है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की सात बहनों का भाग नहीं है? तो जो आपने नॉर्थ ईस्टर्न सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, उसमें कौन सा स्टेट उसका पार्ट नहीं है? बताइए, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर त्रिपुरा? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका आंसर है, पश्चिम बंगाल हिस्सा नहीं है, सेवन सिस्टर्स का हिस्सा पश्चिम बंगाल नहीं है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो ये केंद्र शासित तो पता होगा, यूनियन टेरिटरी है ये। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है, बताइए मुझे। तो ये टोटल असम 7 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस राज्य का समुद्री तट से सबसे अधिक लंबा है? भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो ये तो बिल्कुल बच्चों को क्वेश्चन याद हो चुका है, तो छोटी क्लास के बच्चों को पता है कि राइट आंसर क्या है, गुजरात। और ये क्वेश्चन देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 बार तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ, लेकिन इसके बाद बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, और एन नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, कुछ एक नए क्वेश्चन बनते हैं। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि अगर 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं, जनरल स्टडीज के 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से 20 से 25 तो करंट अफेयर के निकाल दो, और 10 से 12 क्वेश्चन नए हो सकते हैं,
60 प्लस क्वेश्चन जो है रिपीट ही होते हैं। तो अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है तो आप एग्जाम में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करेंगे। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। बताइए मुझे कर्क रेखा नीचे दिए गए किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर भी गुजरती है और झारखंड से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। जो कर्क रेखा है उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। टोटल 8 राज्य हैं। नीचे कमेंट करके बताने के लिए मैंने कहा था आपको, तो प्लीज फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमारा जो पेड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं 9896160956। किसी भी स्टेट के लिए स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, स्टेट पीसीएस वन डे एग्जाम, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.studymasterofficial.com। यहाँ पर जाकर आप जो है वेबसाइट से बहुत सारी हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर काफी चीजें प्रोवाइड की जाती है और सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम पर ही दी जाती है। चलिए, वीडियो कैसा लगा हो मुझे लाइक करके और शेयर करके बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए नीचे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे।